हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बार बार कमेंट किया है कि ब्रो ये बताइए कि मैं आईडीए का यूएसडीटी मैं कैसे बैंक में ला सकता हूँ, बैंक में पैसा कैसे बना सकता हूँ, इसका फुल प्रोसेस बताइए। ये मेरा सब्सक्राइबर बार बार मुझे मैसेज कर रहा है, बार बार कमेंट कर रहा है, तो मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन आज उन्हीं की वजह से ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है कि आप आईडीए के यूएसडीटी को डायरेक्ट बैंक में कैसे पैसे के तौर पे ला सकते हैं, इंडियन करेंसी के तौर पे। तो यही वीडियो मैं बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसका बहुत लंबा प्रोसेस भी है। अगर आपने OKX या बाइनेंस को वेरीफाई नहीं किया तो उसका प्रोसेस है, लेकिन ये सब नहीं बताऊंगा अभी। सिर्फ आप आईडीए से कैसे बाइनेंस में विड्रॉ कर सकते हैं और जो बाइनेंस में आपको यूएसडीटी है वो आपको रुपये में कैसे मिलेगी, यही बता सकता हूँ मैं आपको इस वीडियो में। तब भी थोड़ी लंबी हो जाएगी, माफी चाहूंगा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, आईडीए से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी, तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर शुरू करता हूँ। आईडीए का एप्लीकेशन ऑन कर लीजिए। आपके पास जो भी डॉलर है, जो भी यूएसडीटी है, आपको अगर विड्रॉ करना है 50, 100 जो भी करना है, तो आप विड्रॉल पे मार दीजिए। विड्रॉल जब आप मारेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जो आपके बाइनेंस का एड्रेस या OKX का एड्रेस रहेगा। उसके बाद जितनी आपको यूएसडीटी विड्रॉ करनी है उतनी यहाँ पे लिख देना, फंड पासवर्ड लिख देना है। फंड पासवर्ड लिख के आपको देखिए लिखा है कि विड्रॉल सक्सेसफुल, आपका विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको पैसा बाइनेंस में देखने को मिल जाएगा। फिर अब जब आपका पैसा बाइनेंस में, आपकी यूएसडीटी जब आपको बाइनेंस में चली जाएगी, आपको देखने को मिल जाए, आपकी यूएसडीटी आपको बाइनेंस में देखने को मिल जाएगी, तो आप बाइनेंस को ओपन करेंगे। उसके बाद आप ये चेक करना, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ आप इसी तरह बिल्कुल फॉलो करिए। आप आराम से ये वीडियो खासकर मेरे सब्सक्राइबर जो कमेंट करें उनके लिए है। तो आप बाइनेंस को ऑन करिए। बाइनेंस को आप ऑन करेंगे तो आप अपने बाइनेंस पे इतना ध्यान रखिए कि आपका पेमेंट मेथड वो आपका कंफर्म होना चाहिए। वहां जो पेमेंट मेथड है आप वहां अपने पेमेंट जोड़, मतलब जिसमें आपको पैसा लेना है वो आप जोड़ कर रखें, और बाइनेंस वेरीफाई होना चाहिए। वेरीफाई अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं तो वेरीफाई नहीं किया है तो आप, मैं आपको एक वीडियो दूंगा, आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा बाइनेंस वेरीफाई है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जो दिखेगा P2P पेमेंट मेथड, तो आपको यहीं पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है नॉट एडेड, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो एड पेमेंट मेथड दिखेगा आपको। तो यहाँ से आप पेटीएम, IMPS, UBI, बैंक ट्रांसफर, जहां भी आपको पैसा लेना है तो आप उस पर क्लिक, आप अपना वहां पे अकाउंट फीड कर दीजिए, आप अपना पेमेंट मेथड यहाँ पे आप ऐड कर देंगे तो आपको पैसा उसी में ट्रांसफर हो जाएगा। जब आप पेमेंट मेथड ऐड कर देंगे फिर आप बैक चले जाइए होम पर। जब आप होम पर आएंगे तो आपको P2P ट्रेडिंग दिखेगी, तो आपको यहीं पे सब कुछ यहीं से प्रोसेस शुरू होता है। यहां से वीडियो स्किप मत करना, ऐसा नहीं कि आप वीडियो स्किप करके लास्ट में देखिए, यहीं से सारा प्रोसेस शुरू होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आईडीए से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ। तो P2P पर ट्रेडिंग, P2P ट्रेडिंग पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जो बाई और सेल का होगा। तो सिंपली मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था मुझे बैंक में पैसा लाना है, तो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूं कि उनको बैंक में पैसा लाना है। तो आप सेल पर क्लिक करेंगे, तो जब आप सेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जो सब लोग खरीदने के लिए तैयार हैं आपकी यूएसडीटी। 1 से 2 मिनट में, 2 मिनट मिनिमम, 2 मिनट में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, 2 मिनट में। तो आप यहाँ पे देखिए सब लोग तैयार हैं, खड़े, मतलब सब खरीदने के लिए तैयार है। बस आपको खोजना है कि जो पैसा आपको जहां मंगाना है वो उसमें पैसा देने के लिए तैयार है। मतलब इसमें बहुत चीज यहाँ आपको देखनी पड़ेगी, यहाँ आपको बहुत ज्यादा माइंड सेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पेटीएम में देते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो बैंक में देते हैं। तो आप जिस पेमेंट मेथड को आपने ऐड किया था, पेटीएम या IMPS या फिर UBI या फिर बैंक अकाउंट, तो आप देख लीजिए, अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्ट फिल्टर पे चले जाइए। जब आप फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ अपना यूएसडीटी जो आपकी बेचनी है, जो आपको बेचना यूएसडीटी, आप पूरी क्लिक कर दीजिए यूएसडीटी।
आप यूएसडीटी पूरी अपनी यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यूबीआई जहां भी आपको लेना है, बैंक ट्रांसफर जिस भी जगह आपको लेना आप वहां क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कंट्री क्लिक कर दीजिए। फिर जब आप कंट्री पर क्लिक करें तो कंफर्म करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो आपको यहाँ बहुत लोग ऐसे दिखेंगे जिसमें आपको मंगाना है उसी में, मतलब वही लोग आपको सिर्फ दिखेंगे। तो सिंपली आपको ये भी देखना है कि वो कितनी बार टर्नओवर कर चुका है, मतलब वो कितनी बार लेन देन कर चुका है। आपको ये बहुत जरूरी है देखना, नहीं तो आप पता चला गलत आदमी को दे दिए, जो आप तो फ्रॉड हो सकता है। और अगर आप सेल कर रहे हैं आप वहां से बैक चले तो आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सेल पे घुसे तो वहां से कोई ना कोई कंप्लेंट डालकर ही वापस आए, ना कि आधे अधूरे पे छोड़ के चले आए। तो मेरे में 79.80 यूएसडीटी है, मैं इसको सेल कर रहा हूँ जो इंडियन की करेंसी में 6600 बन रहा है। तो मैं इसको सेल कर दूंगा। और यहाँ पेमेंट मेथड है, उस पर क्लिक कर देना जो आपको चाहिए, जो पेमेंट मेथड जो आप यहाँ भी अपना चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने चार पेमेंट मेथड ऐड किया है तो उसमें से आप यहाँ भी चॉइस कर सकते हैं किस में आप पैसा लेना चाहते हैं, बैंक में या फिर पेटीएम में या फिर यूबीआई में या फिर आईएमपीएस में। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आप किस पे पैसा लेना चाहते हैं। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप यहाँ कोई भी पेमेंट मेथड ऐड कर देंगे, फिर आपका सब कुछ सही हो गया। आप यहाँ जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे बिल्कुल करिए, आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। 1 से 2 मिनट लगेगा आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। फिर सेल विथ जीरो फीस, यानी कोई इस पे चार्ज नहीं, आप सेल करेंगे कोई चार्ज नहीं इस पे। फिर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दिखेगा वेटिंग फॉर बॉयस पेमेंट, मतलब आप दो मिनट के अंदर में सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। 2 मिनट के अंदर वो बोल रहा है कि 2 मिनट में वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। जो ऐसे जैसे ही एक्सेप्ट करेगा वो, फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। जब आपके सामने ऐसा इंटरफेस, तो आप पहले ये भी देख लीजिए कि अभी बहुत इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसमें बहुत ऐसा ऐसा टॉपिक है आपको ध्यान देना है। देखिए पेमेंट मेथड देखिए, यहाँ पे आप क्लिक नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अभी आपके पास पैसा नहीं आया। तो आपको क्या करना है, चैट दिख रहा है, चैट पर आप उससे बात करिए, बस आप चैट पर लिख दीजिए उससे थोड़ी बहुत बात करिए कि आपको चाहिए। वो बोला हाँ मुझे चाहिए, तो आप बोलिए पे फास्ट, मतलब आप पैसा जल्दी पे करिए, मैं यहाँ से ट्रांसफर कर रहा हूँ यूएसडीटी। तो वो सिंपली आपको ट्रांसफर कर देगा। जब आपको ट्रांसफर कर देगा तो आपको यहाँ पेमेंट रिसीव का मैसेज, यहाँ पेमेंट रिसीव का आपके जहाँ पे आपने मंगाया वहां जाके पहले चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप, जैसे जब वो पैसा ट्रांसफर कर देगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने लगेगा जो पता चल जाएगा कि रिसीव हो गया पैसा। लेकिन एहतियात के लिए आप अपने बैंक अकाउंट या फिर जहाँ पे आपने पैसा मंगाया एहतियात जाके वहां चेक करिए कि पैसा आ गया। जब पैसा आपके अकाउंट में आ जाए तभी आप पेमेंट रिसीव पे कंफर्म करेंगे। मतलब जब आप पेमेंट रिसीव पे आप कंफर्म करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, आई हैव नॉट पेमेंट रिसीव, मतलब आप यहाँ पे अगर आपको पैसा नहीं मिला तो आप यहाँ से कैंसिल करके जा सकते हैं कि आई हैव नॉट पेमेंट रिसीव। मतलब अगर आपको पैसा मिल गया है तो आप यहाँ लिखिए आई हैव रिसीव पेमेंट। तो यहाँ पे आप जब कंफर्म, जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कंफर्म कर देना। जब आप कंफर्म करेंगे तो आपको एक ओटीपी जाएगा, जो आपने ऐड किया मोबाइल नंबर या जीमेल जो भी, वहां पे एक ओटीपी जाएगा। जब वहां ओटीपी डालेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा कि डन हो गया। आप चेक वॉल्ट में जाके अपनी यूएसडीटी चेक कर सकते हैं कि कितनी मेरी बची है, और अपने बैंक में जाके अपना पैसा देख सकते हैं। तो सिंपली इस तरह आप आईडीए के यूएसडीटी को आप अपने बैंक में कैसे ला सकते हैं। फुल प्रोसेस था, माफ करना वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहा था इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। तो आप आईडीए के यूएसडीटी को नॉर्मली आप इस तरह अपने बैंक में पैसे के रूप में देख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आईडीए से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी चैनल पर देता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।